नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लवी क्लासेस में। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि है इग्नू का ESO 16, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। सब्जेक्ट इज सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपके हर टर्म एंड एग्जाम के लिए, जब तक कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सेम रहता है, तो हर सेशन के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चंस जो है, मैंने पिछले सभी जो पेपर हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चंस जो थे मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कीजिएगा। अभी इनके आंसर्स हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते, जब होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो देखिए, ये एग्जाम जो होता है 3 आवर्स का और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन में इंटरनल चॉइस होती है, ओवरऑल पेपर में कोई चॉइस नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 1 की, तो इससे आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपको लगभग 500 शब्दों में आंसर करना होता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस इज डिस्कस द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। तो देखिए, पॉवर्टी वगैरह कुछ, अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ क्वेश्चंस जो है ये हमारी जो मेन सोशल प्रॉब्लम्स है, तो उन पर क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। व्हाट इज अ स्लम? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ स्लम। एग्जामिन द सोशल कॉजेज फॉर द एमरजेंस ऑफ स्लम्स इन इंडिया एंड ऑल्सो वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्लम ड्वेलर्स। तो ये क्वेश्चन जो है आपको स्प्लिट होके भी आ सकता है, कि आपसे व्हाट इज स्लम एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, या आपसे सोशल कॉजेज पूछ ले, या प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्लम ड्वेलर्स पूछ ले। तो अच्छे से आपने इसके नोट्स बनाने हैं और कवर करना है इसको। नेक्स्ट इज डिस्कस द सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि क्रिटिकली एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, बिकॉज चाइल्ड लेबर इज वेरी कॉमन इन इंडिया। सो इस पर जो है क्वेश्चन आना बहुत ही लाजमी है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, कि क्या संविधानिक जो भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस चाइल्ड को राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द विजिबल पैटर्न्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेरियस मॉडल्स टू स्टडी इट। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन एंड डिस्कस इट्स सोशल सिग्निफिकेंस विद स्टेबल एग्जाम्पल्स। या फिर कोई स्टेटमेंट दे के आपसे पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन, कंसेप्ट आपका वही होता है, आपको एक्सप्लेन वही करना होता है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दे दी जाती है, जैसे कि माइग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सोशल चेंज इन सोसाइटी, डिस्कस हाउ इट इज। नेक्स्ट इज व्हाट इज अर्बनाइजेशन एंड व्हाट आर द मेजर सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स सॉरी इंडिकेटर्स ऑफ चेंजिंग वीमेन स्टेटस इन इंडियन सोसाइटी, क्योंकि आपको भी पता है अब पहले के मुकाबले जो है वीमेन स्टेटस काफी इंप्रूव हुआ है, तो आपको बताना है कि उसके इंडिकेटर्स क्या हैं वीमेन चेंजिंग वीमेन स्टेटस के। ऑल्सो डिस्कस द लेबर लॉज दैट हैव बीन मेड फॉर द वीमेन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन सोसाइटी। आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एडिक्वेट? डिस्कस क्रिटिकली। व्हाट आर द रीजंस फॉर राइज ऑफ अलाइनेशन अमंग इंडियन यूथ? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको 500 वर्ड्स में प्रिपेयर करने हैं लगभग। आप चाहें तो इसको ज्यादा वर्ड्स में कर ले, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आप भूल जाते हैं तो उस हिसाब से, और थोड़ा सा चलता भी है, अगर 100 वर्ड्स भी ज्यादा हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पॉइंट्स में लिखना है और कंक्लूजन हो सके तो जरूर देना, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 2, जिसमें आपको 250 वर्ड्स में आंसर्स करना होता है हर क्वेश्चन को, और 12 मार्क्स का जो है हर क्वेश्चन होता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ एज्ड इन कंटेम्प्रेरी इंडिया।
व्हाट इज डेलिक्वेंसी एंड व्हाट आर द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स कॉजिंग डेलिक्वेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर कंट्रोलिंग डेलिंक्वेंसी एंड क्राइम इन इंडिया। तो देखिए, आपसे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स, आपको वो प्रॉब्लम्स उन वो किस वजह से होती है, उनके कॉजेस, और गवर्नमेंट ने उनको आपको बताना है कि उसको रिमूव करने के लिए जो पॉलिसीज अपनाई है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। ये चीजें आपने हर सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड करनी है। नेक्स्ट इज हु इज अ जुवेनाइल, डिस्कस द फैक्टर्स लीडिंग टू जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। शुड क्राइम्स कमिटेड बाय अ जुवेनाइल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट और नॉट, ये आपको अपने हिसाब से आंसर करना है। और ये क्वेश्चन स्प्लिट होके आता है, तो आप इसको थोड़े से ज्यादा वर्ड्स में प्रिपेयर करें, क्योंकि केवल इतना क्वेश्चन, या फिर आप से ये वाला कि शुड क्राइम्स कमिटेड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट और नॉट, अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एथनिसिटी, और एथनिसिटी के साथ आपको एथनिक ग्रुप की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एथनिक ग्रुप भी पूछ लेते हैं कई बार। डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ एथनिक वायलेंस इन इंडिया। हु आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हाईलाइट द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन अमंग शेड्यूल्ड कास्ट भी कई बार पूछ लेता है, कभी कभी आपसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पूछ लेगा। तो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन जो है आपको वो हाईलाइट करनी है। व्हाट आर वेस्टलैंड्स एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टलैंड्स इन रूरल सोशल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल मूवमेंट्स। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट यू हैव टू मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन इट्स रोल इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये अलग गलती से अलग क्वेश्चन हो गया, ये एक ही क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स रोल इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय ड्रग अब्यूज एंड डिस्कस इट विद एग्जाम्पल्स। व्हाट आर द वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द रूरल पुअर, कि रूरल पुअर जो पीपल हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कल्याण योजनाएं जो है चलाई गई है, क्या क्या वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रेक डाउन और द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया, कि क्या क्या कारण है जिनसे ज्वाइंट फैमिली जो है वो डिसइंटीग्रेट होती आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रीजंस फॉर स्टूडेंट अनरेस्ट इन इंडिया। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया टूडे। एक्सप्लेन द वेज इन विच ट्राइबल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटीज जो है फॉरेस्ट एरियाज में ही ज्यादा रहती हैं, तो आपको बताना है कि किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करती है फॉरेस्ट को। लास्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर थर्ड, जिसमें आपको कोई दो पर जो है शॉर्ट नोट लिखना होता है। यूजुअली चार आपको आएंगे क्वेश्चन और दो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं उनमें से। 6 मार्क्स का है, 100 वर्ड्स में लगभग आपको हर आंसर क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके लिए क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज क्रूड डेथ रेट एंड क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट कैसे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सेक्स रेशियो एंड लिस्ट द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ फीमेल सेक्स रेशियो इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन स्प्लिट होके आ सकता है कि आपसे डिटरमिनेंट्स पूछ लेगा, और अलग क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको डिक्लाइन के जो फीमेल सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग उसके आपको रीजंस बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एसिमिलेशन। व्हाट आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट स्टेट। व्हाट इज मेंट बाय डेविएंट बिहेवियर, एक्सप्लेन। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। ये आप अगर अच्छे से कवर करके जाएंगे तो आप अच्छे से जो है पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छा आप निश्चित तौर पर स्कोर करेंगे। तो अगर डिस्कशन आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इसकी पीडीएफ जो है
मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हो। और इसके नोट्स जब अवेलेबल हो जाएंगी, आई मीन सोल्ड क्वेश्चंस, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दूंगी। अभी जो है फिलहाल इसके अभी हमने क्वेश्चंस ही डिजाइन किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अपकमिंग सेशन तक जो है इसके नोट्स हम प्रोवाइड कर सके। ऑल द बेस्ट टू एवरी कैंडिडेट हु इज गोइंग टू सिट इन दिस एग्जाम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब इट। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।